अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आज हम आए बालासोर टाप, जो कि मठा बाज़ार से, छुपरियाल बाज़ार से ऊपर है। तो आज हम सब इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे आपको, रास्ता कितना है, कहाँ से आपने आना है, कौन सा चौक आपने क्रॉस करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप ख़ुद देख सकते हैं व्यू, सामने पहाड़ का व्यू खुद देख सकते हैं आप, और रोड का हाल भी खुद देख सकते हैं। कंडीशन बिल्कुल कारपेटेड रोड है, आप खुद देख सकते हैं। पीछे जो नज़ारे है आप खुद देख सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर आइए और एंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो आपने आना होगा। तो जी तो दोस्तों, अब हम भी मौजूद है मिंगौरा बाईपास पे, जो सीधा जो पुल है ये सीधा पिज़ागढ़ की तरफ जाता है, और जो हम अभी जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमने अभी जाना है कांजू, ये पुल की लेफ्ट साइड से हमने जाना है कांजू। ये पुल जो है अभी अभी बन गया, इसकी वजह से बहुत रश कम हो गया, बहुत रश था इससे पहले। तो अब आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं कांजू की तरफ। तो हमने लेफ्ट लेना है, सीधा नहीं जाना है, लेफ्ट लेना है। आप खुद देख सकते हैं हमने लेफ्ट लेना है। तो हमने लेफ्ट ले लिया, तो अपने जाना है सीधा रोड जो है, हम सामने जो पुल नज़र आ रहा है कांजू का, जो ब्रिज, कांजू ब्रिज है मेन, उसको आपने क्रॉस करना है। अब जब इसको क्रॉस करेंगे, जब आप इस पुल को क्रॉस करेंगे, तो आपको सामने बाज़ार नज़र आएगा, कांजू का मेन बाज़ार। ये कांजू का बाज़ार है, और सामने जो चौक है, इससे जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये सीधा कबल शमोजई चकदरा की तरफ जाता है, और राइट वाला जो है ये बागडेरा बाराबांड कुजाबांड उसकी तरफ जाता है। तो हमने जाना है राइट साइड वाले रास्ते से। तो हमने राइट साइड से जाना है, तो हम चौक को क्रॉस करके सीधा जाएंगे। सीधा रास्ता है जो है, जो बांडे की तरफ जाता है। रोड का तो हाल बहुत ज़बरदस्त है, रोड का कोई मुश्किल नहीं है। हम अभी पहुंचने वाले हैं मठा, ये जो हम पहुंच गए मठा, बाबे मठा। तो हमने जाना है राइट साइड से, राइट साइड से हमने जाना है। हम पहुंचने वाले मठा बाज़ार। तो आप देख सकते हैं ये सामने जो ब्रिज है, पुल, सामने जो पुल है अपने इसको क्रॉस करना है। जो हम पहुँचने वाले हैं मठा बाज़ार, ये जो है मठे का बाज़ार है। तो आपने सीधा जाना है, यहाँ थोड़ा रश होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेन बाज़ार है।
तो आपने सीधा नहीं जाना है, आपने लेफ़्ट लेना है। सीधा जो रास्ता है बागडेरा ही मध्यन की तरफ जाता है, आपने लेफ़्ट लेना है। तो आपने अभी लेफ़्ट ले के सीधा जाना है। अब हम जा रहे हैं, ये जो रोड है ये चुप्रियाल तक जाता है, चुप्रियाल बाज़ार तक जाता है, ये मेन रोड है। अब हम सीधा जाएंगे चुप्रियाल बाज़ार तक, तो आपने सीधा जाना है। हम अभी मौजूद है चुप्रियाल रोड पे। रास्ते में आपको दोनों तरफ रोड के इस लेफ्ट राइट साइड पे बागात नज़र आएंगे। तो अब हम अभी पहुंचने वाले चुप्रियाल बाज़ार। तो ये चुप्रियाल बाज़ार है, आपने सामने जो गाड़ी अंदर गई है उस रोड से आपने जाना है। बोर्ड लगा हुआ भी है, ये सीधा बालूसर टॉप मठा जो है उसकी तरफ जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बालासुर का जो रोड है, ये चुप्रियाल मेन रोड के बाद आता है, तो ये उसका रोड है बालासुर टॉप। तो आप देख सकते हैं रोड का कंडीशन, रोड का काम तमाम मुकम्मल हुआ है, कोई किस्म की परेशानी इसमें नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। यह चीज़ जो रास्ता जो चुप्रियाल बाज़ार से रास्ता है तकरीबन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक बंदा पहुंच जाता है। रास्ता इतना नहीं है, रोड भी बराबर है, बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। आप खुद देख सकते हैं रोड का कंडीशन। रोड के सामने जो नज़ारे है आप भी खुद देख सकती है। अगर आपने इधर आना हो तो आपने अशियाए खुर्दनोश जो चीज़ें खाने पीने की अशिया वगैरह आपने सब कुछ नीचे बाज़ार से लेना होगा, क्योंकि ऊपर ना कोई दुकान है ना कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ मिल सकती है आपको। तो आपने सारी खाने पीने की अशिया खुर्दनोश नीचे से लेना होगा। ये रास्ता जो है मिंगवरा से तकरीबन ढाई घंटे तकरीबन 3 घंटे तक है। तो रोड का मसला तो नहीं है, बंदा जल्दी आ जाता है। रोड का काम तो अभी ख़त्म होने वाला है ऊपर का जो है, और रोड के साथ साथ नज़ारे भी खूबसूरत है, बहुत ही ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो वीडियो को आखिर तक देख लेना, क्योंकि इसमें वीडियो हम बताने वाले हैं सारे मालूमात टॉप का वगैरह। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि टॉप का जो खूबसूरत नज़ारे इस वीडियो में मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे है। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो तो अभी हम पहुंचने वाले टॉप, तो टॉप का खूबसूरत नज़ारे आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही ज़बरदस्त रोड और टॉप का जो व्यू है। तो आप देख सकते हैं खुद सामने व्यूज़, सामने पहाड़, और इस तरफ लेफ्ट साइड पे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ये इतना उतराई पे है, अगर बंदा आ जाता है तो दिल खुश उसका हो जाता है। बहुत इस रोड का तो कोई मसला नहीं है, सामने देख सकते हैं मोटरसाइकिल आप, वो अभी जा रहे हैं इस पे। तो आपने इंजॉय करना है यहाँ आके, सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ग्रीनरी, बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी है। अब यहाँ पहाड़ का मंज़र आप देख खुद देख सकते हैं।
सामने वाले पहाड़ का जो नज़ारे है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब हम नीचे उतरने वाले हैं, सामने जो मोड़ है उस तरफ जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं रोड सी व्यू, ये बहुत ऊपर टॉप पे है। तो आपने आना हो तो मोटरसाइकिल पर भी आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, गाड़ी भी पे आ सकती है, गाड़ी भी इधर आ सकती है, कारपेटेड रोड है, कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर मोड़ में एहतियात करना हो, मोड़ आहिस्ता से लेना हो, क्योंकि मोड़ बहुत ख़तरनाक है, उतराई भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर ब्रेक का मसला हो सकता है। तो आराम से आपने उतरना है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आया हो तो अपनी आराम से उतरना है। वो व्यू देख सकते हैं आप खुद, अगर आपने फिर वापस आना हो तो इस रोड से आप भी वापस आ सकते हैं। अगर सीधा जाना हो, जो गाड़ी नज़र आ रहा है आपको सामने, तो आपने उस रोड से सीधा जाना है, क्योंकि हमने तो जाना है, हमने तो आपको नज़ारे दिखाना है। तो ये टॉप है, अगर आपने वापस आना हो तो वापस इस रोड से भी आ सकते हैं। तो हम नीचे जाना है, नीचे जाना है दुरेश खेला जो है बागडेरे की तरफ में, हमने जाना है। तो हम इस तरफ सीधा जाएंगे, तो आप इस जगह पे भी ठहर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ भी पिकनिक कर सकते हो, खाना वगैरह बना सकते हो, बहुत ही बहुत जो है ना टॉप जगह है, आपने इधर ठहरना है। तो आप देख सकते हैं नज़ारे, नीचे जो घर है उसका नज़ारे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सादा लोग है यहाँ की, बहुत ही सादा है। पहाड़ का मंज़र आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, सामने दरिया स्वात नज़र आ रहा है आपको, और उस साइड पे मदियन है। तो आप खुद देख सकते हैं व्यू बिल्कुल टॉप पे है, सामने रोड आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे जा रहे तुरुश खेला बागड़े रहे शाड़े के लिए। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आने वाले हैं। तो अल्लाह हाफिज़।